हेलो फ्रेंड्स, दिव्या सेली किचन में आज हम देखेंगे मिनी प्रिंजल मसाला। आइए देखते हैं इसकी बढ़िया सी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या स्वागत। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इस तरह के मिनी प्रिंजल लेना है। बारिश के सीजन में ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। आप देख सकते हो इनकी साइज कितनी छोटी है, उतने ही ये खाने में टेस्टी लगते हैं। अब इसके डंठल को हमें निकालना नहीं है और इस तरह से हमें इसे कट लगा लेना है। जैसे हम भरवा बैंगन बनाते हैं उस तरह से इसे कट कर लेना है, अंदर से चेक कर लेना है। ये मोस्टली अंदर से अच्छे ही होते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। इसी तरह हम सारे ब्रिंजल को कट कर लेंगे, इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हमें एक बाउल लेना है, बाउल में आधा बाउल जितना पानी लेना है। उसमें एक चम्मच नमक को डाल देना है और जो कट लगाए हुए हमारे मिनी ब्रिंजल है इसे हमें पानी में 5 मिनट के लिए डुबो कर रखना है। अब 5 मिनट हो गई है, अब इन सारे मिनी बैंगन को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हमें कढ़ाई लेना है, कढ़ाई को हमें हाई मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है। एक बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल को ऐड कर देंगे। अब तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हमें ब्रिंजल को इसमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब इसी गरम तेल में हमें मसाला का छोका लगाना है। अब इसमें फ्रेश करी लीव्स है, इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें दरदरा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे ऐड कर देना है। अदरक लहसुन को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें हमें 2 प्याज है दरदरा पिसा हुआ, इसे ऐड कर देना है। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें 2 टमाटर दरदरा पिसा हुआ है, इसे ऐड कर देना है। इसे भी प्याज के साथ हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, इसे ऐड कर देना है। 1 छोटा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसे ऐड कर देना है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो मसाले ने हमारे बहुत ही अच्छा कलर लिया है। अब इसमें हमें 1 छोटी कटोरी पीनट है, दरदरा पिसी हुई मूंगफली, इसे ऐड कर देना है। जब भी ब्रिंजल की सब्जी बनाएं तो इसमें हमें पीनट का इस्तेमाल करना है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब 1 चम्मच हमें इसमें दही को मिला लेना है और थोड़ा सा गुड़ को डाल देंगे। गुड़ की जगह पर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सबसे आखिर में इसमें हमें नमक को मिला लेना है, स्वाद के अनुसार इसमें हमें ऐड कर देंगे। अब मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने जो मिनी ब्रिंजल फ्राई किए हैं इसे इसमें डाल देना है। अब इसे हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1-2 चम्मच हम पानी को अब इसमें 2 चम्मच जैसा हम पानी को डाल देंगे। अब पानी डालने के बाद इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से
चलाएंगे। हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है। 2 मिनट इसे चलाने के बाद अब हमें 5 मिनट के लिए इसे ढककर अच्छे से हमें पका लेना है। गैस की फ्लेम हमें हाई मीडियम रखनी है। अब 5 मिनट के बाद गैस को हमें बंद कर देना है। बैंगन मसाला को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारे मिनी बैंगन मसाला बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। अब इसे हमें सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है।